बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ते हैं एक वॉइस मैसेज की जानिब। आज 5 जुलाई 2021। ये डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल पूछना था। मेरा बकरा है, उसको ना दिन दो दिन हो गया, उसको खांसी का प्रॉब्लम हो गया, और साथ में नज़ला जुकाम और खांसी भी ऐसे जैसे जस्ट इन्फेक्शन हुई हो। अच्छा, खांसी करता है तो साथ में देशा वाली खांसी जैसे होती है जैसे इंसानों को जस्ट इन्फेक्शन हो गया, इस तरह की कर रहा है, और नाक से भी उसके नज़ला और रेशा भी निकलता है। तो उसको मैंने खुराक रात को ना दी थी, एंटीबायोटिक भी बोली और साथ में एलर्जी की बोली। अच्छा, ये डॉक्टर ने मुझे भी सेम प्रॉब्लम कुछ अच्छा मिले हुआ था, वो जो मेडिसिन लिख के दी थी मैंने सेम वही खुराक में से रात को दी है, एंटीबायोटिक की बोली थी और साथ में एलर्जी की बोली थी, वो थी। तो क्या वो दे सकते हैं दोबारा या कोई और मेडिसिन बता दें? उसके अलावा मेरे पास एक टाइजेंट का इंजेक्शन पड़ा हुआ है, वो आपने लास्ट ईयर मुझे बताया था, लास्ट ईयर भी बकरे को मोड़ियाँ भी शिकायत हो गई थी, तो उसके लिए आपने बताया था। तो टाइजेंट लास्ट ईयर का मेरे पास पड़ा हुआ है, एक्सपायरी इसकी 2022 की है, तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ? अगर वो इसके लिए है तो वो इस्तेमाल हो सकता है, उसमें कोई मसला तो नहीं? एक्सपायर तो 2022 को होगा, लेकिन ये वो लास्ट ईयर में पड़ा हुआ है, उसमें मसला तो नहीं है? मैं काटी बता दीजिएगा। थैंक यू। नहीं, अगर वो इस उस मकदार में है कि 3 दिन कम से कम 3 से 5 दिन तक, 3 दिन तक वो अगर काफ़ी है कि वही लग जाए तो लगा दें, बिस्मिल्लाह करके 3 दिन उसके इंजेक्शन लगाएं। अगर नहीं है तो एक्सिनल RTU, एक थोड़ा महंगा तो होता है, एक्सिनल RTU और सोलोन एम भी कोई कहते हैं, सोलोन एम, ये दोनों इंजेक्शंस जो है ना, ये कॉम्बिनेशन है, और 3 दिन तक लगाएं, 3 से 5 दिन कंप्लीट कोर्स होता है, और इससे ये सारा रेशा वेशा खांसी हर चीज़ दूर हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से दुआ भी करूँगा, ठीक है। और बाकी सेलाइन लेक्चरी तो आपने बनाई होगी, अगर नहीं है तो वो आप मार्केट से भी ला सकते हैं, सेलाइन लेक्चरी इसको दें सुबह शाम, तो इंशाल्लाह ताला ये इसकी खांसी ज़ुकाम ठीक हो जाएगा, अल्लाह फजल करेगा। अगर वो सेलाइन लेक्चरी नहीं है तो साथ आपके, मुझे पता है आप लाहौर से बोल रहे हैं, लिखा है आपने कि आई एम आसिम फ्राम लाहौर, प्लीज़ आंसर ऑन माय अबव क्वेरी, थैंक्स। तो मेरी जान आसिम जी, आप एक होता है शरबत दूध स्याह, ये इंसानों के लिए भी होता है आम मेडिकल स्टोर से, वो बड़ा चम्मच जो है ना, वो इसके 2 चम्मच बल्कि सुबह दोपहर शाम इसको वो देते रहें, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी, अल्लाह फजल करेगा। तो लेकिन रेशा जो है वो ख़त्म तभी होगा जब इसको एंटीबायोटिक का वो कोर्स कराने का, ठीक है। दुआओं में याद रखें, पूरे लाहौर को सलाम, फ़ी अमान अल्लाह।